very old beloved president of Odisha Congress, Niranjan Patnaik Sahab, Gyaneshwar Ji, Satya Prakash, these are from the media department, and my press colleague, friends. I have been a IMB minister also when the open sky policy was not there. मैं आज खास तौर पे एक विशेष टॉपिक पे आपसे बात करने आया, और वो सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल, सवाल ये है कि 1,75,000 करोड़ रुपए का पच्चीस हजार किलो हेरोइन बाजार में आज छाया हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा खतरा देश के युवाओं को नशे में ढकेलने का, भविष्य की सुपाड़ी क्या मोदी सरकार नहीं ले रही है? ये जब मैं कह रहा हूं तो ये बाजार में ऑलरेडी फ्लोट कर रहा है। दूसरा ये सवाल जो खुल के सामने आया, आप जानते हैं 13 सितंबर 2021 को अडानी मुद्रा पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन ड्रग, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपया है, वो पकड़ा गया। इसे सेमी टेलीकॉम कट के नाम से अफगानिस्तान से ईरान होते हुए हिंदुस्तान में अडानी मुद्रा पोर्ट पर आया। आप ये जानते हैं कि इस ड्रग में जो पकड़े गए कमीशन एजेंट के नाम पे, वो सुधाकर मच्छवरम एवं श्रीमती गोविंद राजू वैष्णवी नाम का एक कपल पकड़ा गया, जो एक्सेप्ट किया कि मुझे 4 लाख रुपए कमीशन एजेंट के तौर पे मिले। एक कंसाइनमेंट जो नहीं पकड़ा गया वो 1,75,000 करोड़ का था, जो दूसरा पकड़ा गया वो 21,000 करोड़ का पकड़ा गया। आज ये असली ड्रग माफिया कौन है, इसका चेहरा बेनकाब ही नहीं हुआ। इस पूरी घटना में द फैक्ट इज दैट द मेन प्लेयर इज बिंग नॉट एक्सपोज, बेनकाब नहीं हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग कैटल का खुलासा हुआ है, सामने आया है। 9 जून को काशी में आईसी ट्रेडिंग कंपनी
के नाम से अफगानिस्तान से जो ऐसा मैंने कहा कि ये ड्रग यहाँ आया सेमी टेलकन कट के नाम से, इसके पहले भी जो घटना घटी वो भी वही की घटना है, सेम कंपनी जो 1,75,000 करोड़ आया वो भी सेम कंपनी ने भेजा था। क्या ये ड्रग पकड़ने के लिए देश के बाजार में दुनिया के नौजवान को जो बेरोजगारी के मार से मर रहे हैं उनको क्या नशे में झोंकने का एक खुला साजिश नहीं है? या आपको क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल नजर नहीं आता है? मैं इसलिए बात कह रहा हूं, आखिर ये कौन मगरमच्छ है जो इतना बड़ा ड्रग का खेला इस देश में कर रहा है, प्लेइंग दिस सच ए पॉइजनस एक्टिविटी कर रहा है। छोटे मोटे कमीशन खोरों को पकड़ के आप देख रहे हैं कि कैसे चीजों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद जो प्रधानमंत्री कभी चुप नहीं रहते, दिस प्राइम मिनिस्टर नेवर स्टॉप देयर माउथ टू स्पीक, व्हाई हिज मम, व्हाई होम मिनिस्टर अमित शाह इज ए मम और नॉट ए सिंगल स्टेटमेंट हैज कम टिल टुडे। वी डिमांड दैट वेयर हैव 25,000 किलो हीरोइन ड्रग वैल्यूड of 175,000 imported on the 9 June through the Adani Mudra Port, Gujarat. We demand the Prime Minister will speak. Are the Narcotics Control Bureau, Narcotics Control Bureau, DRI, ED, CBI, IB, sleeping on the job or they are too much preoccupied in tackling the revenge from the Modi political adversaries? They are busy with the political adversary of Modi. Third, it is not a direct conspiracy to push the Indian youth in the abyss of the drug. It is not a threat to the national security, more so the drugs are illegally connected to the Taliban and Afghanistan. Can such a drug cartel operate and can such a unprecedented quantity of the heroin drug be brought into the India without the political patronization? It's a very much clear charge that it can't be come to India without the political patronization or those in the collaboration of power. Why this Adani Mudra port has been not investigated? Have the Prime Minister and the BJP government failed to protect the national security? National security, we demand the entire matter of the drug cartel and the political patronage, including the foreign connections, should be commissioned
with the two sitting Supreme Court judge. With the two sitting Supreme Court judge. That is what we have demanded. I tell you, it's a very significant that Mundra Adani Port gained something out of this smuggled drug is a question. And this question is being raised by the additional judge who are hearing this case. They said very clearly that this Adani Port should, they are beneficiary or they are not involved, and their working should be thorough inquired by the investigating agency. Itna jhoot, itna beimani parliament mein yahan wahan 14 se lekar ke unki baaton ko agar dekh jaiye to aapko apna sar pakad lena padega ki kaun jhootha hai kaun sachcha hai. Kaha ki ek inch nahi hum bechenge. Demonetization, puri property ka sale, aur ab jo basically they are running this country in the partnership with the punjipati. So it itna open ho gaya ye. Or now is the finally drug. Drug is the one area which give you a abundant of the money. I don't know how much money they want to earn. But it will destroy the country. It will destroy the country. This is what the issue. Please like, share and subscribe to our channel. And your comments are valuable as well.